हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फेमस कंट्रोवर्शियल लेडी के बारे में जो एक एस्कॉर्ट से प्रिंसेस बनी एंड देन एक कातिल। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी। ये लेडी का नाम मार्गरेटा अलीबोर्ट है। मार्गरेटा का बचपन काफी बुरा था। उसके पेरेंट्स एक्चुअल में वियर्ड थे। मार्गरेटा 1890 के साल में फ्रांस में बॉर्न हुई थी। उसके डैड टैक्सी कोच ड्राइवर थे और मॉम मेड थी। उसका एक छोटा भाई भी था। जब वो 4 साल का था तब एक लॉरी के नीचे आने की वजह से उसकी मौत हो गई। मार्गरेटा के पेरेंट्स इतने अजीब थे कि वो ड्राइवर को ब्लेम करने की जगह वो अपनी बेटी को ब्लेम करने लगे कि उसने अपने भाई का ख्याल नहीं रखा, इस वजह से ये सब हुआ। फिर मार्गरेटा को पनिश करने के इंटेंशन से उन्होंने उसे सिस्टर्स ऑफ मैरी के पास भेज दिया, जहाँ पे साइकोलॉजिकल टॉर्चर मार्गरेटा पे शुरू हो गया। उसे वहाँ की सिस्टर्स ने ब्लेम करते हुए बोला कि तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारा भाई मर गया। मार्गरेटा तब काफी छोटी थी तो ऑफकोर्स ये सबसे वो डिस्टर्ब होती। बाद में जब वो 15 साल की हुई तब सिस्टर्स ऑफ मैरी ने उसे दूसरों के घर पे काम के लिए भेजना शुरू कर दिया, जहाँ पे जाके मार्गरेटा क्लीनिंग एंड दूसरे घर के काम करती। बट वही फेज के दौरान शी गॉट प्रेग्नेंट एंड जब सिस्टर्स ऑफ मैरी को ये पता चला ना तब वो मार्गरेटा के कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगे। किसने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मार्गरेटा के साथ हुआ क्या है। जो घर में वो काम पे जाती थी क्या वहाँ के लोगों ने उसे फोर्स किया, कुछ भी नहीं पूछा। 16 ईयर्स की एज में मार्गरेटा ने एक लड़की को जन्म दिया जिसे ये सिस्टर्स ऑफ मैरी ने ले लिया एंड सेंट्रल फ्रांस के किसी फार्म पे भेज दिया सो दैट वहाँ के लोग उसका ख्याल रख पाए। मार्गरेटा अपने बच्चे से अलग हो गई थी एंड सिस्टर्स ऑफ मैरी ने ये प्रेगनेंसी की वजह से उसे उनके शेल्टर से भी निकाल दिया। मार्गरेटा भी अकेले फ्रांस के स्ट्रीट्स पे ना सर्वाइव करने की कोशिश कर रही थी, जो काम मिलता वो कर लेती। एंड शी वॉज डेस्परेट क्योंकि काम मिलना आसान नहीं था। कोई दूसरा ऑप्शन जब नहीं मिला तो मार्गरेटा सेंशुअल वर्कर बन गई। शी स्टार्टेड मीटिंग मैन एंड प्लीजिंग देम। देन वो एक ऐसी लेडी से भी मिली जिसने मार्गरेटा को ग्रूम किया, खुद का चार्म कैसे यूज करना है दूसरों पे ये सब सिखाया। हाई क्लास लेडी ऑफ द नाइट कैसे बनते हैं ये उस औरत ने मार्गरेटा को बताया। ये ट्रेनिंग की वजह से मार्गरेटा काफी वेल्दी आदमियों को खुश कर पाई। फिर जब वो 17 साल की हुई तब वो एक आदमी से मिली जिसका नाम था एंड्रे मिलर। एंड्रे 40 ईयर्स ओल्ड था, वो शादीशुदा था। बट मार्गरेटा को मिलने के बाद एंड्रे को उससे प्यार हुआ। वो काफी अमीर था एंड उसने एक अपार्टमेंट भी खरीदा सो दैट वो एंड मार्गरेटा साथ में रह पाए। एंड उसे नहीं चाहिए था कि मार्गरेटा दूसरे आदमियों से मिले। ये जो रिश्ता था ना वो कई सालों तक चला। अकॉर्डिंग टू मार्गरेटा एंड्रे ने उससे शादी भी किया था, बट क्योंकि एंड्रे ने अपनी पहली वाइफ को कभी डिवोर्स नहीं दिया तो मार्गरेटा के साथ जो मैरिज हुआ था उसे कभी लीगल नहीं माना गया। 1913 में जब मार्गरेटा 23 ईयर्स की हुई तब एंड्रे एंड उसका रिश्ता खत्म हुआ एंड दे सेपरेटेड। फिर से मार्गरेटा वही सेम प्रोफेशन में वापस चली गई जहाँ पे वो वेल्दी आदमियों से मिलती उन्हें प्लीज करती। ये सब ना 1917 तक चलता रहा। अभी वो 27 ईयर्स की हो गई थी पर उसकी लाइफ बदलने वाली थी क्योंकि जल्दी ही वो एक प्रिंस से मिलने वाली थी, प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड द 8th। वो 1917 में ब्रिटिश ट्रूप्स के साथ फ्रांस में थे। एडवर्ड के जो दोस्त थे ना उन्हें पता था दैट एडवर्ड इज नाइव एंड उसे नहीं पता हाउ टू प्लीज अ लेडी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इसे ग्रूमिंग की जरूरत है एंड इसके लिए उन्हें कोई एक्सपीरियंस्ड लेडी चाहिए थी। एडवर्ड का एक दोस्त मार्गरेटा को ऑलरेडी जानता था तो उसने प्रिंस एडवर्ड जो तभी 23 ईयर्स का था उसे मार्गरेटा से मिलाया। शी देन ग्रूम्ड हिम। देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया क्योंकि एडवर्ड का ये पहला ऐसा रिश्ता था जो अफेक्शन से भरा था तो ही वॉज वेरी अटैच्ड टू मार्गरेटा। वो उसे लेटर्स लिखता, अपनी फीलिंग्स ओपनली लेटर्स में शेयर करता। ये रिश्ता इतना सीरियस हो गया था ना कि लोगों को लगा कि मार्गरेटा प्रिंसेस बनेगी, एडवर्ड उससे शादी करेगा। बट रॉयल फैमिली को जब ये अफेयर के बारे में समझा तब दे वेर वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि एडवर्ड आगे चलकर किंग बनने वाला था एंड ये रिश्ता कभी रॉयल फैमिली अप्रूव नहीं करती। एडवर्ड शुरुआत में काफी सीरियस था मार्गरेटा को लेके, उसे डिफेंड भी करता बट धीरे धीरे करके उसका जो इंटरेस्ट था ना वो कम होने लगा। वो दूसरी प्रिंसेसेस को मिलने लगा जो उसे ज्यादा पसंद आने लगी। एंड में 1 साल तक ये रिश्ता चला बट बाद में खत्म हो गया। एडवर्ड से अलग होने के बाद मार्गरेटा हर्ट हुई पर शी कंटिन्यूड हर प्रोफेशन। इतने साल काम करने की वजह से मार्गरेटा भी इन अ वे अमीर हो गई थी। वो एक हाई एंड लाइफस्टाइल जी रही थी। कई वेल्दी मैन उससे मिलने आते उसकी ये लाइफस्टाइल को फंड करते एंड उसे काफी महंगे महंगे तोहफे वगैरह देके जाते। पर अभी मार्गरेटा ना सेटल होना चाहती थी तो उसने शादी करने का सोचा। 1921 के साथ में वो अली कमल फैमिली से मिली जो इजिप्ट का लॉर्ड था। अली को मार्गरेटा बहुत पसंद आई। कुछ महीने इनका रिलेशनशिप रहा फिर 1922 के साल में अली ने मार्गरेटा को शादी के लिए प्रपोज किया एंड ये भी बोला कि वो उसके साथ कायरो आ जाए रहने के लिए। अली एक लॉर्ड था तो काफी इन्फ्लुएंशियल एंड अमीर पर्सन था वो। मार्गरेटा पहले थोड़ा हेजिटेट कर रही थी पर बाद में वो मान गई कायरो जाने के लिए। जब इनकी शादी होने वाली थी ना तब मार्गरेटा ने क्लियरली अली को ये बोला कि 2 क्लॉजेस डालने पड़ेंगे जहाँ पे पहले तो वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना मार्गरेटा को अलाउड होगा एंड डिवोर्स क्लॉज भी होगा जहाँ पे शी वुड बी अलाउड टू डिवोर्स हिम। अली मान गया बट रिटर्न में मार्गरेटा को इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए कहा एंड मार्गरेटा इसके लिए मान गई।
बट शादी के जस्ट पहले अली ने काफी स्मार्टली डिवोर्स क्लॉज हटा दिया एंड एक दूसरा क्लॉज डाल दिया जहाँ पे और भी बीवियां लाना उसको अलाउड होगा, ये उसने लिख दिया। अल्टीमेटली ये शादी हो गई। शादी के बाद लोग मार्गरेटा को वहाँ पे प्रिंसेस मैगी के नाम से बुलाने लगे। शुरुआत में सब अच्छा था बट बाद में अली को ये चाहिए था कि मार्गरेटा एक सबमिसिव वाइफ हो, उसकी हर बात माने। पर मार्गरेटा की पर्सनालिटी ऐसी नहीं थी कि वो कभी सबमिसिव बने। शी हैड अ स्ट्रांग पर्सनालिटी जो अली शादी के बाद कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उससे वो रोज झगड़ा करता। ये एक अनहैप्पी मैरिज था बट मार्गरेटा अली को डिवोर्स नहीं दे सकती थी। अली केप्ट ऑन फोर्सिंग हिज डिजायर ऑफ हैविंग अ सबमिसिव एंड ओबीडिएंट वाइफ बट मार्गरेटा को ये नहीं पसंद था। इस वजह से शी स्टार्टेड ह्यूमिलिएटिंग अली इन पब्लिक। फिर मार्गरेटा ने अली पे ये भी आरोप लगाया दैट उसे अब्यूज करता एंड मारता पीटता झगड़े के बाद। इतना सब होने के बाद स्टिल शी वाज स्टक इन दिस मैरिज। 1923 के साल में ना मार्गरेटा को इस शादी से एस्केप करने का रास्ता मिला। वो अली के साथ लंदन गई हुई थी एक शो अटेंड करने। जब शो से वो वापस आए अपने होटल में तब फिर से ये कपल के बीच में बड़ा झगड़ा हो गया। बट इस बार ये झगड़ा कायरो में नहीं हो रहा था बट लंदन में हो रहा था। तो मार्गरेटा ने अली को मारने का डिसीजन लिया। अराउंड 2 AM को ना होटल में 3 बार गोलियां चलने की आवाज आई। होटल स्टाफ ने अथॉरिटीज को बुलाया एंड अथॉरिटीज जब मार्गरेटा एंड अली के होटल रूम में पहुंची तब अली घायल पड़ा था एंड उन्होंने उसे हॉस्पिटल ट्रांसफर किया। उसी वक्त पे दे अरेस्टेड मार्गरेटा आल्सो। एनी इंसिडेंट्स के 1 घंटे बाद अली की मौत हो गई। ये एक ओपन एंड शट केस था कि मार्गरेटा ने उसके हस्बैंड की जान ली है। एंड अगर ये कायरो में हुआ होता तो मे बी अली की जो फैमिली है ना वो काफी क्रूअल पनिशमेंट देती मार्गरेटा को। पर मार्गरेटा क्योंकि लंदन में अरेस्ट हुई थी तो उसे एक जूरी ट्रायल मिलने वाला था। ये ट्रायल में क्या होगा इसमें पब्लिक काफी इंटरेस्टेड थी क्योंकि पास्ट में मार्गरेटा का नाम प्रिंस एडवर्ड के साथ जुड़ा हुआ था तो इस वजह से वो फेमस हो गई थी। ट्रायल के दौरान मार्गरेटा ने अपने डिफेंस में बोला दैट अली ने उसे डिवोर्स के लिए कभी अलाउ नहीं किया, उसे अब्यूज किया, मारपीट करता रहा एंड और भी कई ऐसी चीजें बताई जिससे ये प्रूव हो कि उसने ये कदम सेल्फ डिफेंस में लिया है। एंड ये ट्रायल के दौरान ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, रॉयल फैमिली गॉट इन्वॉल्व। और ये इसलिए हुआ क्योंकि कई साल पहले प्रिंस एडवर्ड ने जो लेटर्स लिखे थे ना मार्गरेटा को वो उसके पास अभी भी थे एंड रॉयल फैमिली वॉज इन अ वे स्कैर्ड कि अगर मार्गरेटा को सजा हुई तो मे बी वो लेटर्स जो है ना वो एक्सपोज कर देगी एंड फिर पब्लिकली वो लोग ह्यूमिलिएट होंगे। तो इन अ वे यहाँ पे मार्गरेटा ने ना इनडायरेक्टली रॉयल फैमिली को भी ब्लैकमेल किया था कि अगर वो ट्रायल में इन्वॉल्व नहीं हुए एंड उसे उन्होंने नहीं बचाया एंड रिहा नहीं किया तो वो उन्हें एक्सपोज करेगी। एंड में इसी वजह से जूरी ने नॉट गिल्टी का वर्डिक्ट दिया मार्गरेटा के केस में। ये भी कहा गया कि रॉयल फैमिली ने ना अपने कनेक्शंस यूज किए ये नॉट गिल्टी वर्डिक्ट लाने के लिए। एंड में जब ट्रायल खत्म हुआ तब 33 इयर्स की मार्गरेटा को उसका फ्रीडम मिल गया। वो फिर से अपने पहले वाले प्रोफेशन में चली गई एंड पेरिस में रहने लगी। फिर 1971 के साल में 80 इयर्स की एज में मार्गरेटा चल पसी। उसकी लाइफ नो डाउट आसान नहीं थी, जिस तरीके से हो सकता जो भी करना पड़ता उसने वो किया सर्वाइवल के लिए। कई लोगों ने उसे अबैंडन किया, पहले उसके पेरेंट्स ने देन सिस्टर्स ऑफ मैरिंग एंड एंड में जब उसे चाहिए था कि उसका हस्बैंड उसे अबैंडन करे तब उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि मार्गरेटा अली बर्ड की कहानी के बारे में आपका क्या कहना है एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।